जय हिंद। आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। जानेंगे जिस प्लेट पे हम लोग रहते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग में, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, हिंदी में भूपरवर्ती के नाम से जानते हैं, उसके नीचे पानी पाई जाती है, तो आखिर हम लोग धंसते क्यों नहीं हैं। जानेंगे प्लेट के कितने प्रकार होते हैं और इसे क्या नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। जैसा कि देख रहे हैं, टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिकी। आज हम लोग प्लेट के बारे में जानते हैं। ये जो है, ये एक चिप्पी है, पृथ्वी का एक चिप्पी काटे हुए हैं। जैसे कि हम इससे पहले वाले टॉपिक में बताए थे, पृथ्वी इस प्रकार की है, यानी कि ना ही पूर्ण गोल है ना ही ये चपटी है। ठीक है, यानी भूआब की आकृति में है। किस आकृति में है? भूआब की आकृति में है। तो इसी का हम एक चिप्पी काटे हुए हैं। ठीक है, और यही यहाँ पे इंकित किए हुए हैं। ठीक है, प्लेट जो है, प्लेट विभिन्न भागों में बटा हुआ, यानी प्लेट जो है, ठीक है, जिसमें यानी कि प्रॉपर्टी है, महाद्वीप महासागर पाए जाते हैं, ये भी प्लेट में ही है। ठीक है, जहाँ पे मोटा प्लेट है वहाँ पे महाद्वीप है, और जहाँ पे पतला प्लेट है यहाँ पे पानी जम गया है, इसलिए हम इसे महासागर के नाम से जानते हैं, महासागर कहते हैं। ठीक है, और जहाँ मोटा प्लेट है, ठीक है, यहाँ स्थल है, इसलिए हम इसे महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं इसे। और यहाँ जहाँ पानी जम गया है हम इसे महासागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो है प्रॉपर्टी के ऊपर वाले भाग में, यानी कि ये प्रॉपर्टी में है, इसलिए हम इसे लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, यानी ये क्रस्ट का ही भाग है, लिथोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे चट्टान पाई जाती है, बड़े बड़े स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि महाद्वीप है, महासागर है। ठीक है, और इसके नीचे क्या है? मेंटल है, मेंटल को हम लोग एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। और इसके नीचे तो मतलब कोर ही है ना, ये मैग्नेट का काम करता है, चुंबकत्व का काम करता है। यहाँ पे काफ़ी अधिक क्या पाई जाती है, काफ़ी अधिक डिग्री, काफ़ी यहाँ पे क्या होती है, तापमान होती है। ठीक है, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे तापमान होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी ये प्लेट तो हमने बता दिया कि यहाँ पे लिथोस्फीयर है, यहाँ एस्थेनोस्फीयर है, और महाद्वीप और महासागर जो है लिथोस्फीयर का ही भाग है। ठीक है, यानी लिथोस्फीयर ही पाया जाता है। ठीक, और लिथोस्फीयर किसके ऊपर तैर रहा है? तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। ठीक है, अब जानते हैं वाटर लेवल कहाँ मिलती है, वाटर लेवल क्या होता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसके नीचे जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग लिथोस्फीयर में आते हैं, और ये तो एस्थेनोस्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ पे विभिन्न सारी वाटर लेवल मिलती है, लेकिन एक के नीचे में एक नहीं हो सकती है, एक के नीचे में एक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ठीक, इसलिए हम लोग जो हैं हैंडपंप जो निकालते हैं, हैंडपंप से पानी निकालते हैं। ठीक है, कहीं कहीं हमें ऊपर से ही मिल जाती है पानी। ठीक है, और कहीं कहीं अधिक नीचे करने पर भी नहीं मिलती है। अधिक अगर हम लोग मतलब यहाँ पे पाइप डालें पृथ्वी के अंदर, यानी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर, तो भी हमें पानी नहीं निकल पाती है, लेकिन कहीं कहीं पे काफ़ी नज़दीक नज़दीक वाटर लेवल होती है, इसलिए यहाँ से पानी की मात्रा जो है 80 फीट में भी मिल सकता है, और कहीं कहीं 400 फीट में भी नहीं मिलता है, और कहीं पर 80 फीट में भी मिल गया, और कहीं पर 200 फीट में भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर वाटर लेवल है और कहाँ पर वाटर लेवल नहीं है। ठीक है, हमारे यूपी बिहार में वाटर लेवल की जो संख्या है, यानी मात्रा है, वो अदर की कंपेयर में सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ पे जो है वाटर लेवल, सॉरी, यहाँ पे जो है शुद्ध रूप से पानी मिलती है। ठीक है, और वाटर लेवल के जो को जो मेंटेन्स करके रखता है, ठीक है, वे हैं तालाब, पोखर, बगल बगल में नदियाँ हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से जो वाटर लेवल में अब पानी है, यहीं से रिस रिस के जाता है, और ये सभी वाटर लेवल को मेंटेन्स करके रखता है, यानी कि बराबर करके रखता है, यहाँ का पानी घटने नहीं देता है ना। इसलिए भारत सरकार प्रत्येक गांव में क्या करती है, पोखर खुनवाती है, और यहाँ पे मत्स्य पालन की क्या देती है, योजनाएँ देती है। ठीक, वाटर लेवल के बारे में हमने समझ लिया कि प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक फीट अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो ये हो नहीं सकता है कि ये वाटर लेवल हमें मिले ही, है ना, कहीं कहीं पे नहीं भी मिल सकता है, और कहीं कहीं पे मतलब कंटिन्यू मिल सकता है, जैसे यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ भी मिल सकता है, और कहीं कहीं पे ऊपर में ही पाया जाता है, और कहीं पे अधिक दूरी तय करने के बाद ही नहीं पता किया जा सकता है। तो इसे पता करने के लिए एक रंध्र छोड़ा जाता है, उसके माध्यम से पता किया जाता है, यानी ये एक यंत्र के माध्यम से। ठीक है, अगर हम लोग पृथ्वी की परत की बात करें, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कि
पृथ्वी को विभिन्न भागों में तोड़ा गया है। एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक इसे सियाल कहे थे, ऊपरे वाले भाग को, नीचे वाले भाग को सीमा और अंदर वाले भाग को निफे, यानी निकेल और फेरस यहाँ पे दिखता है। ठीक है, इसे हम लोग अगर विचार आधुनिक विचारधारा के हिसाब से देखें, इस प्रकार से है ना, यानी ये किसी का ही चिप्पी कटा हुआ है, इसे क्रस्ट कहा गया, इसे मेंटल और इसे कहा, क्या कहा गया, कोर। ठीक है, यानी ये सब इसी के भाग हैं, इसी के प्रकार हैं। सीएल को ही क्रस्ट कहा जाता है, सीमा को ही मेंटल कहा जाता है, नीफे को ही कोर कहा जाता है। ठीक है, और यहां पे अगर बात करें, यानी अब अगर हम लोग चट्टान के हिसाब से पढ़ें तो ऊपर वाले भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, नीचे वाले भाग को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ये पृथ्वी के परतें हैं, ये पृथ्वी के क्या है, लेयर्स हैं, जो कि इतने भागों में बटा हुआ है, ये अलग अलग भाग नहीं है, ये ऊपर वाले ही, ऊपर वाले जो भाग हैं इसी का अलग अलग नाम है। ठीक है, और जो मध्य वाले भाग हैं इसी का अलग अलग नाम है। ठीक है, और नीचे में तो कोर इसका भी है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पृथ्वी की परतें तो हमने देख लिया, अब समझते हैं प्लेट जो टकराता है वो कहाँ पे टकराता है, कौन सा प्लेट विनाशी प्लेट होगा। यानी कि जैसे ये भी एक प्लेट हो सकता है ना, ये भी एक प्लेट हो सकता है, यानी ये दोनों में अगर सट रहा है तो कहाँ, यहाँ पे भूकंप आएगी या यहाँ पे आएगी। यानी जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो जिस साइड में टकराते हैं, यानी विनाशी का गार, यानी कि जिस साइड में ये टकरा रहे हैं दूसरे प्लेट से, वहाँ पे भूकंप आ सकती है, वहाँ पे सुनामी आ सकती है। जैसे अंडमान निकोबर में यही 2004 में ही काफ़ी सुनामी आ गई थी। ठीक है, वहाँ भी प्लेट टकराने के माध्यम से ही, ये हमने विश्व मानचित्र बनाया है और यहीं पर हम ये भारत है, ये एक प्लेट जाता है। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय प्लेट, अफगानिस्तान नेपाल होकर के एक मतलब प्लेट जाता है। ठीक, ये भी आपस में मतलब टकराते रहते हैं, जिसके कारण कि नेपाल में बराबर भूकंप आती है। ठीक है, यहाँ पे मेक्सिको के पास एक कोकोस प्लेट है ना, ऊपर में फोका प्लेट है, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जब एक दूसरे से टकराती है, सब छोटे प्लेट हैं। अगर प्लेट की हम लोग बात करें तो कुल प्लेट की बात करें तो 27 हैं, जिसमें कि बड़ा प्लेट मात्र 7 ही हैं, और छोटा प्लेट की हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो वे 20 हैं। ठीक है, बड़ा प्लेट में क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, जिसे हम लोग उत्तरी अमेरिका कहते हैं, ये साउथ अमेरिका है, जिसे हम लोग दक्षिणी अमेरिका कहते हैं, ये अफ्रीका है, अफ्रीका है, ये एशिया है, और यहां हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये यूरोप है, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे में भी महाद्वीप है, अंटार्कटिका। ठीक है, ये बर्फ से हमेशा ढका हुआ रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, ये बर्फ से हमेशा ढका हुआ रहता है। तो आज हमने जाना प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, यानी प्लेट विवर्तन की क्या होती है, प्लेट एक दूसरे के लिए कैसे हानिकारक हो सकते हैं, यानी जिस प्लेट पे हम लोग रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, उसे ही हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी यानी प्लेट की अगर हम लोग मोटाई की बात कर लें तो जिस प्लेट पे हम लोग रहते हैं तो एक समान तो यहाँ पे नहीं है, अनेक भागों में प्लेट जो है टूटा हुआ है, कहीं पे मोटाई अधिक है तो कहीं पे कम है। जहाँ पे मोटाई अधिक है 100 किलोमीटर यहाँ पे मोटाई होती है, यहाँ पे स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, स्थल पाई जाती है, जैसे हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं, और जहाँ पे कम होती है, ठीक है, उसे उसकी जो मोटाई है वह 70 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, यहाँ पे महासागर है, यहाँ पे मैंने बता दिया है। ठीक है, 70 किलोमीटर हमारे जो छत की ढलैया होती है, ठीक, मात्र इतना होता है, 6 इंच के आसपास। ठीक, तो हम उस पर चढ़ जाते हैं जिसके माध्यम से वे गिरते नहीं हैं, तो ये 100 किलोमीटर है, तो ये कितनी मोटी होगी, है ना, तो इससे तो जो हमारी छत है उसे तो मतलब करोड़ों गुना मतलब बड़ा है, करोड़ों गुना बड़ा है ना। यही कारण होती है कि पृथ्वी के नीचे क्या पाई जाती है, पानी पाई जाती है, कहीं कहीं पे जहाँ पे वाटर लेवल होगा
वहीं पे, ऐसा नहीं है कि ये पृथ्वी नीचे है तो यहाँ पे नीचे में पानी भरा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे वाटर लेवल होगी वहीं पे पानी की अधिकता होगी, नहीं तो पानी नहीं मिल सकती है। जैसे यहाँ पे पानी पानी की मतलब वाटर लेवल है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर खोद रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग अगर ट्यूबवेल मतलब दे रहे हैं या नल की व्यवस्था कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें नहीं मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मतलब करेंगे थोड़ा सा बगल करके तो यहाँ पे हमें मिल सकती है। तो आज हमने जाना प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। इसके बाद वाले टॉपिक में हम समझेंगे कि प्लेट एक दूसरे के लिए कैसे हानिकारक बन जाते हैं और भूकंप एवं जो सुनामी होती है वे किस प्लेट के टकराने से, किस प्रकार के प्रक्रियाएं होने से भूकंप की घटनाएं होती हैं और किस प्लेट के टकराने से सुनामी की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगले टॉपिक में जानेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। भूकंप और सुनामी जो है ये दोनों एक दूसरे से लिंक करती है, यानी कि अगर स्थल में आ गया तो भूकंप, और नदी सॉरी अगर समुद्र में आ गया तो हम उसे सुनामी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी हम अलग अलग टॉपिक बना करके चर्चा कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।